दोस्तों फिलहाल भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि INS विक्रांत पर कौन से फाइटर जेट तैनात होंगे। लेकिन अब ये सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि CCS की तरफ से इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा कि INS विक्रांत पर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट तैनात होगा या फिर फ्रांस का राफेल तैनात होगा। हमारी वायुसेना को दोनों ही फाइटर जेट सेटिस्फाई करते हैं और इस डील के तहत भारत उस फाइटर जेट को खरीदेगा जो भारत को प्राइस में सस्ता पड़ेगा। एक राफेल की कीमत हमें 1670 करोड़ पड़ेगी, वहीं पर हमें एक F-18 सुपर हॉर्नेट की कीमत 1500 करोड़ के आसपास पड़ेगी। लेकिन F-18 वेपन पैकेज के साथ राफेल से बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा, जिस वजह से अभी इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि इस डील में भारत राफेल मरीन लेगा।